समूचा देश इन दिनों कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में त्योहारों के रंगत पर महामारी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप त्यौहार मनाने की परमिशन दी जा रही है। इसी के चलते कोरोना का असर खरगोन जिले के दशहरे के त्यौहार पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, हिंदू धर्म में दशहरे पर आतिशबाजी के साथ रावण जलाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार खरगोन के अम्बेडकर भवन में 31 फीट का रावण बनाया जा रहा है। तकरीबन 36,000 की लागत और बांस बल्ली से तैयार रावण के पटाखों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान खंडवा से रावण निर्माण करने पहुंचे राजेश वास्के ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के दिशा निर्देशों पर चारे का रावण बनाया जा रहा है। बहरहाल कुदरत की इस वैश्विक महामारी कोरोना ने आमजन को प्राचीन सभ्यता से अनुरूप त्यौहार मनाने को विवश कर दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस तरह का मतलब ये जलेगा? फिर वो केवल घास उसके अंदर भर दी जाएगी और घास से ही जलेगा, इसमें पटाखा नहीं लगेगा। राजेश धासके कहाँ से है आप? खंडवा से। ये रावण की तैयारी कर रहे हैं आप, पहले भी आए थे क्या? हाँ, पहले आया था मैं। कितने साल पहले? 2 साल पहले। किस तरह से बनाते हैं आप लोग ये? बांस और बल्ली, तार और कपड़ा लगता है, पेपर वगैरह लगते हैं। कितना खर्चा लग गया? ये 36,000 का है। ये रावण 36,000 का है। 36,000 जी। कितने फीट का है? 31 फीट का है। क्या नाम है आपको? राजेश धासके, खंडवा। नहीं, इसमें इस बार पटाखे नहीं लगे क्योंकि कोरोना की वजह से इसकी गाइडलाइन चेंज हो गई। कम लंबाई भी कम कर दी गई और पटाखे जो हर साल जो आतिशबाजी होती है वो इस बार नहीं होगी और रावण में भी पटाखे नहीं लगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।